अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। आज इस वीडियो में मैं आप सबको सिखाऊंगी सिंपल नेक डिज़ाइन, जो कि बहुत आसान है। सबसे पहले हम बुकरम लेंगे। एटीन इंच लेंथ है और 1.5 इंच चौड़ाई है। फिर कपड़ा लेंगे हम एक, जो के 19 इंच मैंने लेंथ ली है कपड़े की, और चौड़ाई है 3 इंच चौड़ाई है। अब हम इस बुकरम को पेस्ट करेंगे इसके ऊपर। सबसे पहले कपड़े को प्रेस करें बिल्कुल सही तरह, उसके बाद बुकरम को पेस्ट करें। बिल्कुल सेंटर में सेंटर में पेस्ट होने के बाद अब इसको इसको बिल्कुल मतलब सफाई से इसको प्रेस करेंगे। सफाई से इस्त्री लगाने के बाद सिलाई लेकर जाएंगे। इस तरह लुक आना चाहिए, क्योंकि इसको शर्ट के ऊपर स्टिच करना है। इसका जो कपड़ा है ना, वो मैंने चेंज किया, इस वजह से उस पे मशीन की सिलाई हो नहीं रही थी, क्योंकि रबड़ का काम है उस पे, इस वजह से। तो ये मैंने सिंपल लिया है। अब हम वही सेम इसके पूरे इर्द गिर्द की सिलाई करेंगे। सिलाई लगने के बाद इसका लुक इस तरह आएगा। यहाँ से बिल्कुल इस तरह। अब हम इसको पेस्ट करेंगे। अब हम इस बेल को इसके साथ सबसे पहले इस तरह लगाएंगे। ये मैंने इस ऊपर मैंने 4 इंच मैंने इस वजह से छोड़ा है, क्योंकि गला है
गला 5 इंच है, तो मैंने 4 इंच इस वजह से छोड़ा है। क्या फायदा इतने ऊपर से हम बेल लगाएं, वो तो फालतू में जाया हो जाएगा। इस वजह से मैंने यहाँ से मतलब ऊपर 4 इंच मैंने गैप दिया, अब मैं यहाँ से बेल लगाऊंगी। अब हम इसकी सिलाई करेंगे, मतलब बेल को इसके साथ अटैच करेंगे। बेल लगाने के बाद, अब हमने बेल लगा ली, बेल लगाने के बाद इसका लुक इस तरह आएगा। अब हम जो हमारा फ्रंट शर्ट पीस है उसको हम यहाँ ये गला है यहाँ पे हम छोटा सा कट लगाएंगे निशान, जिससे हमें आसानी होगी लगाने में। यहाँ पे हमने छोटा सा कट लगाया हुआ है, अब हम इस तरह इसको इस तरह रखेंगे। पहले इसको प्रेस करेंगे, जो कि मैंने कर लिया है, ये रहा जो निशान है, ये निशान नजर आ रहा है। और अब हम इसको ये जो हमने बनाया है डिजाइन, इसको अब हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह, बिल्कुल सही ये जो निशान है। और यहाँ पे भी मैंने इसको फोल्ड करके प्रेस किया था, तो हम इसको बिल्कुल, और यहाँ पे मैंने छोटा सा कट लगाया, इसके ऊपर बिल्कुल इस तरह रखेंगे। नीचे जो प्रेस का निशान है और ये दोनों को बिल्कुल इस तरह रखेंगे। और ये जो सिलाई अभी हम कर रहे हैं बीच से, ये फिर वापस हमें खोलना भी है क्योंकि ये रफ है। ये हमने इस वजह से किया है ताकि ये बिल्कुल स्ट्रेट आए, गला बिल्कुल स्ट्रेट आए, ऐसा ना हो कि ये इस तरफ जाए। अब हम प्रॉपर सही वाली सिलाई करेंगे। मैंने जो डिज़ाइन बनाया था इसको शर्ट के ऊपर पेस्ट कर दिया। पेस्ट होने के बाद इसका लुक इस तरह आएगा। अब आपकी मर्जी है, गला आप जिस तरह भी लगाएं, गोल चकोर जो भी वी है, जैसे कि मैंने गोल गला बनाया है तो मैं इसको यहाँ पे इस तरह पेस्ट करूँगी। अभी पेस्ट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह लगेगा। तैयार होने के बाद इसका लुक इस तरह आएगा। ये मैंने ऊपर गोल गला कट करके मैंने पेस्ट किया है, और यहाँ पे जो लाइन थी वो मैंने ओपनर के साथ खोल लिया। अब यहाँ पे अगर आप चाहे बटन्स लगा लें, अगर आपको ऐसे ही पसंद है ऐसे ही पहन लें। अब आप घर बैठे इसको ट्राई करें, अगर आपको कुछ समझ में ना आए इस वीडियो में तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।